नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। ताऊते का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां तेज बारिश ने राज्य के कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। कहीं किसी के घर की दीवार गिरी तो कहीं बादल फट गए। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज जरूर बदल दिया, लेकिन लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। देखिए ये रिपोर्ट। पौड़ी में दो दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल दिन भर से लगातार बारिश होती रही। पौड़ी के सभी क्षेत्र कोटद्वार, श्रीनगर, सतपुली सहित समस्त ग्रामीण इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और पौड़ी में लोगों ने फिर से गर्म कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। वहीं काशीपुर के केलाखेड़ा के गांव रामपुर काजी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 24 घंटे से लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की चपेट में आकर ईंट भट्टे की एक दीवार दो झोपड़ियों के ऊपर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, मौसम विभाग द्वारा पहले भी बारिश की चेतावनी दी गई थी, इसी के चलते करीब 24 घंटे से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। वहीं गुरुवार को केलाखेड़ा के ग्राम रामपुर काजी में स्थित न्यू सकलानी ब्रिक ईट भट्टे की एक दीवार अचानक दो झोपड़ियों के ऊपर गिर गई। दीवार गिरने से झोपड़ी में सो रहे मजदूर मुकेश और शंकर की मौके पर ही जान चली गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि रात भर जो बारिश हुई है और उसके बाद जो हवा आंधी तूफान चला है, तो ये रामपुरा काजी केलाखेड़ा में यहाँ पर ईट भट्टे हैं और वहाँ पर दो मजदूर थे ईट भट्टों में काम करने वाले, शंकर सन ऑफ काशीराम और मुकेश। ये दोनों लोग की ये सो रहे थे और वो कच्ची ईंटें उनके ऊपर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, मौके पर SO और हम लोग गए थे, पंचायतनामा भर के अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में फिर से ग्लेशियर टूटने की भी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये ग्लेशियर माणा गांव के आसपास का है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये चमोली जिले की तस्वीर बताई जा रही है। वहीं चकराता तहसील के अंतर्गत कवारसी के पास खेड़ा बिजनाड़ में कोहला निवासी कुछ ग्रामीण किसानों की झोपड़ी है, जहां बादल फटने से बिजनाड़ में रह रहे स्थानीय तीन ग्रामीण परिवारों की झोपड़ी पर पहाड़ से भारी मात्रा में जलजले के रूप में मलबा आ गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक और दो लड़कियों समेत तीन लोग मलबे के नीचे दबने से लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों के पशु और मवेशी भी मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना के तुरंत बाद SDM संगीता कन्नौजिया के निर्देश में तहसीलदार पूरन सिंह तोमर के नेतृत्व में चकराता में SDRF की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई। घटनास्थल सड़क मार्ग से 2 किलोमीटर दूर पैदल है। आसपास के लोग राहत बचाव काम में जुट गए। वहीं चमोली में भी भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश से ओलावृष्टि की जानकारी भी मिली। ओलावृष्टि होने से लामबगड़ नाला उफान पर आ गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले के ऊपर मालवाहक ट्रक चालक और परिचालक भी फंस गए और दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। पौड़ी में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस इन दिनों उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी मसीहा बनकर अपनी मेस में फूड पैकेट तैयार कर रही हैं, जो ट्रक ड्राइवर कोरोना कर्फ्यू के बीच खाद्यान्न सब्जी समेत तमाम जरूरी सामान को समय पर शहरों में पहुंचा रहे हैं, जिनकी बदौलत जनता को समय पर हर जरूरी सामान भी मुहैया हो पा रहा है, जिन्हें होटल्स और ढाबों के बंद कारण तक पूरे दिन रास्ते भर चलकर भूखे पेट ही सफर तय करना पड़ता है। गया कि जो लंबी दूरी पर आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहन हैं, वो रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे सर द्वारा बताया गया कि क्यों ना हम एक अच्छी शुरुआत करें, इसलिए हमारे द्वारा और हमारे मैस मैनेजर द्वारा थाने परिसर के मैस में एक छोटा सा कम्युनिटी बास्केट के माध्यम से खाना बनाया गया तथा उसे उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। पौड़ी से आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतकुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है
और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। हमारे ये ट्रक के ड्राइवर्स भाई हैं जो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस समय सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं। तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ये ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मैस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं जो इनको हम लोग दे रहे हैं। और चूँकि ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। एसएसपी हरिद्वार के द्वारा कुछ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें सीओ सदर का चार्ज आईपीएस डॉक्टर विशाखा अशोक भतांडे को सौंप दिया गया है। डॉक्टर विशाखा द्वारा पद ग्रहण करने के बाद वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ मिल रही नशे की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित थानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी कि नशे में ड्यूटी पर होने की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते रानीपुर कोतवाली सहित थाना सिडकुल और भाद्रावाद थाने को आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के समय नशे में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए हमने एक आदेश निकाला है जिसमें जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे रहते हुए शराब के नशे में मिलते हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। थानों को आदेश दिया गया? ये थाना रानीपुर, सिडकुल और भाद्रावाद थाने जो है उनको आदेश दिया गया। उन सबके लिए ही हम इनका लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, रात में राउंड्स भी हो रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी हरकत हमें मिलती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कोविड के प्रभारी मंत्री बंसीधर भगत ने राज्य में लगातार हो रही कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन समाप्त नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कई जगह वैक्सीन की कमी है क्योंकि उत्पादन के हिसाब से ही वैक्सीनेशन का आवंटन हो रहा है, लेकिन जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे और भारी मात्रा में वैक्सीन उत्तराखंड के लिए आएगी और लोगों को लगाई जाएगी। फिलहाल जितनी वैक्सीन है वो सबको लगाने का काम किया जा रहा है। राज्य ने हर नागरिक को समय पर वैक्सीन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, टीके नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे सर गोविंद सुयाल में चल रहा, डिग्री कॉलेज में चल रहा, नैनीताल में चल रहा, रामनगर में चल रहा, सभी जगह चल रहा, लेकिन कम मात्रा में है। ये मैं मान रहा हूँ 45 से ऊपर भी चल ही रहा है, हमारे ऊंचापुल में ही देखो केंद्र चला हुआ, अभी चला हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच संक्रमण से ग्रसित मरीजों के लिए अच्छी खबर है। ऋषिकेश में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के अस्पताल का 24 मई को शुभारंभ हो जाएगा। ऋषिकेश स्थित 500 बेड के बेस अस्पताल से शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 500 बेड का बेस हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया। डीआरडीओ द्वारा ऋषिकेश में 500 बेड अस्पताल तैयार किया जा रहा है। अस्थायी तौर पर निर्माणधीन बेस अस्पताल का निरीक्षण लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष, मेयर और आज कैबिनेट मंत्री और जनपद के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जनपदीय कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि 24 मई तक काम पूरी तरह से कर लिया जाएगा और अस्पताल में मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। डीआरडीओ के उन अधिकारियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तेजी से उन्होंने काम किया है, मिस्टर बादवा यहाँ पर हैं जो उसको देख रहे हैं, 24 तारीख से हमारा ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़ी राहत हमारे इस प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी अल्मोड़ा NH-87 गेठिया में वीर भट्टी पुल के पास मलबा आने से बंद हो गया है। हाईवे खोलने के लिए रानीबाग से जेसीबी को भेज दिया गया है। बारिश के चलते मलबा हटाने में लोक निर्माण विभाग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा आने से NH-87 पर जाम लग गया, वाहनों की आवाजाही अभी भी प्रभावित है। SSP प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद और अभी छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लगातार बरसात होने से मलबा आ रहा है, बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता डाइवर्ट किया गया है। मौसम के लिहाज से मिले अलर्ट के चलते पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर है।
गेठिया के आसपास में जो मलबा है उसकी वजह से हमारा एनएच ब्लॉक हो रहा है और वहाँ पे जेसीबीज भी लगातार काम कर रही हैं, एसडीआरएफ की टीम और हमारी थाने की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद है। रह रहे करके चूंकि बारिश हो रही है तो रह रहे करके मलबा नीचे आ रहा है, तो जब भी सावधानी पूर्वक हम रोड खुलवा करके गाड़ियों को निकलवा पा रहे हैं, बट हमने जो है बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके और यहाँ से जाने वालों के लिए भी हम लोग रास्ता डाइवर्ट कर रहे हैं। कल सुबह से उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में भी उत्तराखंड के जाबाज पुलिसकर्मी कोरोना संकट झेल रहे लोगों के लिए अपनी सेवा भावना बनाए हुए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी से देवप्रयाग तक जगह जगह मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से जेसीबी मशीन काम नहीं कर पा रही है, लेकिन इस महामारी में कई बीमार लोगों को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाने की जिम्मेदारी भी टिहरी जनपद की देवप्रयाग पुलिस रही है। थाना देवप्रयाग के थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि पुलिस के सभी कर्मचारियों को हाईवे पर जगह जगह लगाया गया है जो मार्ग अवरुद्ध वाले जगह पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये लगातार दो दिन से जो बारिश हो रही है इसमें काफी तेज बारिश हुई है ये, और ऐसा लग रहा है ये मानसूनी बारिश टाइप की लग रही है इस मई के महीने में। इसमें पूरी जमीन पहाड़ ये सब गीले हो चुके हैं, रोड जगह जगह अवरुद्ध हो गया है, जगह जगह मलवा और ये हाईवे में बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं, इनको हटाने के लिए भी जेसीबी भी इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि ज़मीन गीली है, ऊपर से फिर मलवा आ जा रहा है, उसको भी खतरा है। तो मैंने जो आवश्यक सेवाएं हैं केवल एम्बुलेंस और जैसे बीमार लोगों के ले जाने वाले वाहन ही इसमें अलाउ करवा रखे हैं, बाकी ऋषिकेश मुनिकी रेती एवं कीर्ति नगर श्रीनगर को भी अवगत करा दिया गया कि आप अनावश्यक रूप से वाहनों को ना भेजें इधर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।